कैसे दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा आप लोगों को सावधान करने वाला है कि अगर आप केयर होम वर्किंग में वीजा ले रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपके साथ आ सकते हैं और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर केयर होम वीजा की मैं बात कर रहा हूँ तो जो आउट ऑफ द यूके केयर होम वीजा अप्लाई कर रहे हैं और जो एजेंट्स के थ्रू ले रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जो भी एजेंट आपको वीजा दिलवा रहा है डेफिनेटली उसका कोई ना कोई कनेक्शन यूके के साथ में है और यूके में जो केयर होम के साथ में है या उनसे इन्वॉल्व कोई बंदा है बीच में जो आपको इस तरीके के कैश लेटर प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू आपका वीजा लग रहा है। ठीक है, वो वट एवर कोई भी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से मिल रहा है या किस तरीके से नहीं मिल रहा है। मैं आज बात करूंगा उस में जो होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं और उसमें होने वाले जो लॉसेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप केयर होम वर्किंग का वीजा लगवा रहे हो तो जो एजेंट आपको केयर होम का वीजा लगवा के दे रहा है वो 4.5 बैंड पे भी लगवा के दे रहा है। डेफिनेटली अगर आपको 4.5 बैंड एजेंट में आ रहे हैं या आप तो एक और नया इशू आ गया कि बहुत सारे केयर होम हैं जो आपसे यूके वीआई मांग रहे हैं या यूके वीआई की अपनी डिमांड हो गई है कि यूके वीआई एलर्ट चाहिए, तो इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हम उस वीडियो में उस यूके वे एलर्ट्स की बात करेंगे। फिलहाल आज तो हम बात करने वाले हैं केयर होम्स की कि केयर होम्स में जो है इश्यूज क्या आ रहे हैं। सपोज आपने 4.5 बैंड पे या 4 बैंड पे आपका वीजा लग गया, आप यूके आ गए, तो यूके में आने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो होता है कि बॉर्डर एंट्री। जब आप बॉर्डर सिक्योरिटीज पे आते हो तो वो वहां पे पूछते हैं भाई किस तरीके की जॉब करने आए हो। आपने बताया जी मैं केयर में जॉब करने आया हूँ, राइट? तो पहली बात तो उनकी जो एक्सेंट होगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है नॉर्मल इंग्लिश से। जो सुनने में जो नया आदमी आता है या पहली बार सुनता है उसको थोड़ा सा ना आधी बातें समझ में आती है आधी नहीं समझ में आती है। तो जिनको इंग्लिश पहले से ही बहुत ज्यादा लो है तो उनके लिए तो सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने तो 4 बैंड पे आपने वीजा ले लिया और यहाँ पर आ गए। पहली बात तो जब वो यहाँ पर आके टेस्ट करेगा कि जिस बंदे को वीजा दिया गया है उसको तो इंग्लिश ही नहीं आती है क्योंकि आपने तो अपना पैसा पे कर दिया एजेंट को या वट एवर तरीके से जिस भी टर्म एंड कंडीशन चाहे हो। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि अब उसको लगेगा कि ये जो बंदा है इसको इंग्लिश नहीं आती तो उसका वीजा कैसे मिल गया। तो इसकी प्रॉब्लम जो है ना आपकी वीजा भी आ सकती है, जो एम्प्लॉयर जिसने आपको वीजा दिया उसके ऊपर भी आ सकती है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। सपोज आप वहां पर अपना इंटरव्यू क्लियर करके या बॉर्डर सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद में आप वर्किंग पे आ जाते हो। वर्किंग पे आने के बाद में आपको क्या होगा, आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो है नहीं, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के भी लोगों को भेज रहे हैं एजेंट जो, और यहाँ पर जो भी अपनी सेटिंग के हिसाब से वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में प्रॉब्लम होती है जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं होता कि चीज़ें कैसे डील होती हैं, कैसे काम होता है, उन सारी चीज़ों के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर कई बार जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं जिनको पेशेंट्स कहते हैं उन पेशेंट के साथ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीगल तौर पे गलत होती हैं, जो यहाँ के लीगल और लॉज के हिसाब से हैं। क्योंकि आपने अगर चीज़ में हेल्थ इंडस्ट्री में पहले से काम नहीं किया है या आप उसके बारे में नहीं पता है तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि हर जो भी क्लाइंट होगा ना वो बहुत ही अवेयर है अपनी चीज़ों को लेके। वो उनसे पता है कि जो केयरर मेरे साथ जॉब करने आए, सॉरी जो केयरर मेरे लिए जॉब करने आया है या जिस एजेंसी ने इसको भेजा है वो प्रॉपर ट्रेंड है। तो उसके बाद अगर इस तरीके की कोई भी गलती होती है तो वो अपनी एजेंसीज को कंप्लेन करता है, एक एजेंसी को इस बात पे कंप्लेन करता है। दूसरा, अगर आपकी इंग्लिश का लेवल उतना है नहीं जितना इंग्लिश का लेवल आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका एक्सेंट और उनकी इंग्लिश फॉर बेटर होती है, आप बात को अच्छी तरीके से समझते हो, जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो उनकी आधी बातें आपको समझ में नहीं आती है। जब आपको अपने पेशेंट की बात ही नहीं समझ में आएगी तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करोगे, वो क्या कहना चाह रहा है और कैसे करोगे। तो यह प्रॉब्लम इंग्लिश के बाद यहाँ पर ये भी आती है। इसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, जब दो या तीन बार आपका कंप्लेन आपके केयर होम पे पहुँचती है तो एज पर, क्योंकि इनको अपना सारा रिपोर्ट जो होता है वो यहाँ की काउंसिल्स को देना पड़ता है क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योरिटीज ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर इनकी कंप्लेंस के ऊपर आपका केयर होम एक्शन नहीं लेगा तो ये काउंसिल जो है ये सोशल केयर वाले हैं ये केयर होम के ऊपर एक्शन लेंगे और कोई भी केयर होम ऐसा नहीं चाहता कि उसके ऊपर एक्शन हो। तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस के बाद में वो आपका वीजा कैंसिल करते हैं और आपको टर्मिनेट करते हैं और दोबारा अपनी कंट्री जाने को बोलते हैं। तो इस तरीके के दो तीन केसेस मेरे सामने आए हैं जिन्होंने कॉल करके मेरे को ये बात बताई। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो तो आप इस सिचुएशन को निकलने की कोशिश करो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप किसी को काम को कर रहे हो ना तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए।
अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हो तो आपको उसकी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतनी सिचुएशन के बाद आपको अगर आप ट्रबल में आ जाओ और आपका वीजा कैंसिल हो जाए तो वो सबसे बुरी सिचुएशन होगी। इसलिए इन सारी सिचुएशन को बचने के लिए आप हर चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करिए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपके कोई थोड़ा सी जो भी कमी है उस कमी को कंप्लीट करिए, और अपनी ट्रेनिंग को हेल्थ रिलेटेड, आपकी बैकग्राउंड अगर नहीं है तो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, आप उन कोर्सेज को कर लीजिए जिससे कि आपको यहाँ पर आने के प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो था आपको अवेयर करने के लिए, अगर आप यूके में आ रहे हैं और आने के बाद में आपने हेल्थ केयर का वीजा लिया है, चाहे वो एजेंट के थ्रू लिया हो या किसी और के थ्रू लिया हो, तो आप यहाँ पर कैसे सर्वाइव करोगे और कैसे स्टे करोगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली होपफुली मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।